बैठक जी
माता करो जी, ताकि जो पीछे स्त्री माता के पास बच्चे खड़े हो जाए और गर्मी का मौसम है और बच्चे को दो दिन के खड़े होना लंबे देर तक मुश्किल होता है, इसलिए साधन माना जी के माता करो जी। और गुरु मेरी पास है जी, जिन्हें कि कुछ किया गया है सब कुछ दरबारी नजर चल रहे हैं और सदैव तो नजर नगर हाले से आश्रम अंदर वाले हाले की और ये समय आसमानों की तरह भाई नहीं है मामा वास्ते बहन वास्ते जो छेड़ मैं जिसे हर साल हर समाज के लिए बिनियम वास्ते नगर शक्ति व्यवस्था की जाती है उसे हाले इस बार भी माता बहन वास्ते नगर शक्ति व्यवस्था की गई है और मेरी माता बहन वास्ते नगर शक्ति वास्ते आप जानी है और भाई साहबान के वास्ते बिल्कुल एक टाइम लगा हुआ है और टाइम से एक लाइना स्वामी हरिदास
साधु स्वामी सर्वदास महाराज, साधु स्वामी हरिदास महाराज, साधु स्वामी ग्रीवदास महाराज की महात्मा प्रसन्न चरणा में मिला के चार साल की सभी साधना शास्त्र के निभाकर उन्होंने निभाई। जिस महान महापुरुष से इन्हें महापुरुष का आशीर्वाद हो गए, तेरे हृदय में आकाश को संप्रजन मेरा सेवन तेरा नंत्र वास्या हो गए, तेरा हर प्राणी वास्ते सर्वते अपने नानक नाम चरणी कला तेरे भाए सर्वत्र भला सब का भला संग्रह हो गए। कि उस महापुरुष के हृदय को की जाओ महापुरुष में से कि उसने जीवन में कितनी अकाश को संप्रजन मिली नेत्र हो गई परमात्मा की नाना सिंह हो गया। तो गुरु प्यारी संत संगत जी सबू ग्रंथ श्री गुरु प्रवाणी में सबू रविदास महाराज जी का फरमान है, जेकर अभी आकाश और खान का नाम लेना दर्शन करने चाहे तो इन दो नेत्र अभी आकाश और खान का नाम लेना दर्शन नहीं कर सके और रुकना एक न हर के एक और तेरे का फिर जिसे बताए नान का ये सो गया सो प्रसन्न परमात्मा ना सेवन कर रहे हो जागर सपनों सुख की अवस्था बना के जो जाने सो जान संत अनंत है अंदर नहीं जो परमात्मा के चरणा में समर्पित महापुरुष उन्होंने दर्शन करेंगे Thank you.
सतगुरु जी के दरबार विच संगरूर इलाके दी असिस्टां कल दीआं दरबार विच आईआं होईआं ने और कल तो ही गुरु महाराज जी ने सिंगपुर दे विच सेवा विच लगे होए ने। जिथे गुरु महाराज दे श्रद्धालु संगतां आईआं उथे संतां दे नाल महान महापुरुष संत महाराज सुखविंदर सिंह जी टिब्बी वाले उन्होंने भी दर्शन दिए और आप जी को कीर्तन राही और प्रवचना राही निहाल किया। संत महाराज जी ने अभी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने अज इतने आके संतान से अपार फल प्रस्तुत कर रहे हुए सतगुरु महाराज की अमृत में बाणी ने कीर्तन और बड़बुलियां की धारा सुना के संतान को निहाल किया। गुरु प्यारे साहब कहते जी महाराज जी ने आप सारे संतान जिन संत महापुरुषों का जीवन ही हो गया संत महापुरुष हमेशा वास्ते संतान नेक रास्ते पर लगाते हैं। संत महापुरुष संसारी जीवन के जीवन अच्छा बनाने वास्ते उन्होंने हर सोच होती है उन्होंने हर विचार होता है दसा नवा की गिरत कमाई को सफल करने वास्ते संतान कई तरह के नाल प्रेरित करते हैं ताकि जब फिर संसारी लोग व्यवहारिक जीवन में जो अपने दसा नवा की गिरत कमाई के उस विभावान चरणा में अर्पण करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मैं महाराज जी का इंतजार से बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और नाल ही संगरूर निवासी संतान का भी जिन्होंने बाबा जी को इस दरबार में जाके विचार सुनाई या गलबात सुनाई और इस दरबार में जो सेवावान उन्होंने प्रति बाबा जी नाल गलबात की और वो प्यार के रूप में हुए क्योंकि एक संत के स्थान पर दूसरे संत कदों आते हैं जो कुछ हृदय प्यार हो जो हृदय में कुछ सच्चे सुचे विचार हो तो महाराज जी ने सारिया संतान को गुरु दरबार की सेवा में प्रेरित किया। तो गुरु प्यारे साहब संत जी मैं इस काम को महाराज जी ने उन्होंने जो उन्होंने एक गल कही कि दरबार में सेवा वास्ते कि माया इतने ले जानी और गुरु इतना जी का दरबार ही और उसका महाराज जी ने मैं बेनती करता कि आप जी का उस इलाके में इतने इतना आप जी ने बहुत बड़ा काम किया इन विचार समझे कि आप जी ने उस इलाके या आप जी तो पहले महान महापुरुषों ने जो कुछ आप जी ने दर्शाया जो कुछ आप जी उन्होंने को सुनने मिला किन्ने गुरु स्थान हर पूरन दास महाराज जी के नाम से किन्ने विद्यालय हम जो आप जी ने ऐसे विचार का सदका और इन्होंने विचारों के नाल ही ये सारिया का सेवा कराइया ने। और तो पूज्य स्वामी सर्वनाथ महाराज जी ने आज तक अपने इस दरबार के मंच के उत्तर कदे भी किसी को ऐसी सेवा करते वास्ते मंच तो प्रेरित नहीं किया मंच तो कभी ऐसा अनाउंस नहीं किया ये सारिया संतान आप खुद महापुरुषों के आशीर्वाद आप जी को इन्होंने देते हो कि आशीर्वाद आप रुकया हुआ है आप जी का जो इन्होंने देते जो विचार आप जी ने कोशिश किए हैं इन्हों का सदका ये सारिया संतान फिर मौका सेवा के लगे हुई हैं इन्होंने दसवों हमी गिरत कमाई सदका ही गुरु प्यारी साहब संगत जी का पाप तीरा तो सही
शिरेश्वर संत सतीदास महाराज अरे अंग्रेज के दो स्थान बहुत प्रसिद्ध पहले पुनः धनदेवपुर दास महाराज जी उदय स्थान पे बहुत बड़े बड़े पुल बनाए जाते हैं और संत महापुरुषों ने जाते समाप्त हुए संत महाराज पूर्ण पूजित शिरेश्वर संत सतीदास जी महाराज उन्होंने कहा वो बहुत सारे संत और हमारे इलाके में संत बहुत बड़ी गति में स्थानीय सेवा दे चुका के दुनिया भैया ने और इसे ना ना अरे पूजित शिरेश्वर श्री श्री पूर्ण संत महाराज पूर्ण आदि तो वहां बात ही काश्रम अमृतसर को पाकिस्तान के लोग से जगावना रोड में जाते था कि वो स्थान जिसे माता सीता जी ने अपना वनवास रहते पहले सब और तो वहां बाकी महाराज जी ने पावन चरणा कला आके जैसे सब माता सी मुझे सीता माता जी ने अपना जीवन महाराज जी ने शर्त से आके उन्होंने उन्होंने दरबार में रहकर बलवान में करके और जिसे नव और कुष्ठ महर्षि बाकी जी ने पावन चरण पर से और हमारे जी बाकी जी ने शक्ति सहिता उन्होंने इतना बड़ा महान बल और वो इन्हें महान विद्वान कि सारे के सारे रामायण उन्होंने दुबारे जाओ सी और उस महान तीर्थ में उन्होंने जाके डेरा लगाया और उस स्थान को धाम वाणी आश्रम आज सारी दुनिया भर में प्रसिद्ध जी का पूज्य श्री महाराज पूर्णा जी संत संत समेत दरबार में आए और श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी ने महान महापुरुष साढ़े पूज्य श्री महाराज चरणदास चरणदास जी महाराज गजन में दुर्गा जी और शेखर संत दादा जी महाराज संत गोपाला जी महाराज और बहुत सारे संत महापुरुष मंत्र विद्या सेवा का सुधार दिया करें और गुरु का ऐसा संगे की काशी गुरु रविदास महाराज के पावन स्थान में जो हर रोज मैंने सेवा माने भले पूज्य संत अवरनाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरु शेषवर काशीदास जी महाराज कदापुर धाम मध्य प्रदेश को संता के नाम ना संता के पुत्रों के साथ आए भले और संत ज्ञान प्रकाश जी महाराज जो काशी गुरु रविदास महाराज जन्म स्थान मतलब तो थोड़ी दूर के जाते हैं और उस इलाके में जो पहली बार संतार ज्ञान प्रकाश जी के दरबार में आए स्वामी समता के दर्शनार्थ जी के जाके सारे उस इलाके में दसिया पूज्य स्वामी सर्वदास महाराज के पावन जीवन में लाए और जलों को मंदिर की सारी उपयोग शुरू हुई सब ज्ञान प्रकाश जी महाराज समय समय अनुसार इस दरबार में आए पहुंचे रहे तो गुरु प्यारे साथ रहे जी सारे पूज्य संत महाराज फंसे रहे जी संत महाराज दुर्गा जी सब सुनिए एक बार संत महाराज जी मुजफ्फरनगर के नजदीक हाँ गुरु प्यारे साथ रहे जी मुजफ्फरनगर के नजदीक शुक्रनाथ एक स्थान है और स्थान जिसे सुखदेव मुनि जी महाराज जी ने राजा कृष्ण जी श्रीमान ठाकुर द्वारा सुनकर सुनाया उस नगर में एक महान महापुरुष शिव रविदास महाराज जी के चरणों में बुलाई संत महाराज हरिदास जी होए और जिन्होंने स्थान उस गुरु रविदास महाराज के नाम के और स्थान संत महाराज के तकरीबन 20-25 एकड़ जमीन है और सारे के सारे लोग गुरु रविदास महाराज के नाम के और उस इलाके में 300 पिंडा में करीब 300 पिंड में ये स्थान है उस स्थान में संचालक पूज्य ईश्वर संत सतपाली महाराज वो चंद्रा समेत आए ने और छोटा तो सहारनपुर चौके चले जाइए साढ़े पूरे संत रोशनदास जी महाराज और विशेष नरेश जी वो भी इस दरबार में आए थे जितने भी संत महापुरुष श्री रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी के आगे थे उपस्थित हुए और होर संप्रदाय के महापुरुष जो इस दरबार में आए थे तो सारे संत महापुरुषों का सहामी आज समागम में चलाने के लिए सानू बहुत बहुत खुशी है Yeah.
क्या है।